करेंगे घर वालों से, पैसे लेंगे, हो सकता है या तो कोर्ट मैरिज कर ले हम लोग, बल्कि किसी को दिखाऊंगी नहीं कि मैंने शादी कर ली है। तो तू कर रहा है क्या शादी? बोल मत। तू कर रहा है क्या शादी? बोल मत। तेरे को शादी की बोला, तू कर रहा है क्या? एक साल रुक जा, दो साल रुक जा, नहीं रुक सकती मैं तेरे साथ कमारी लेके, नहीं मानना चाहती। तू अभी क्या बोल रही थी थोड़ी देर पहले कि तू उससे प्यार करती है? हाँ, और अब मैं उससे शादी कर रही हूँ, बात खत्म। मैं से क्या करती है तो? नहीं करती मैं तुझसे प्यार, ऐसे बोलते ना। मैं तुझे कुछ दिखाना चाहती हूँ। क्या दिखाएगी तू मुझे? ऐसा क्या दिखाएगी? ये लड़का कौन है? टीका क्यों लगा दी? तू भी टीको लगा दी? ये लड़का कौन है? यही है वो लड़का, अभी तो शायद मजाक में ले रहा है। तेरी माँ की सगन। हाँ मेरी कसम से, हम शादी कर रहे हैं, हम लव मैरिज कर रहे हैं दोनों। मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा मैं? हाँ तुम्हारा गुस्सा जाए से, लेकिन यार मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा बता? हाथ मत उठाओ, उसको पसंद नहीं है। हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस अभी मैं जो वीडियो डाल रही हूँ उस पर मुझे बहुत ही अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप अपना प्यार ऐसे ही दिखाओ हमारी वीडियो के ऊपर। एंड आज का प्रैंक मैं करने वाली हूँ ब्रेकअप वाला। बहुत से भाई कमेंट कर रहे थे कि ब्रेकअप प्रैंक करो, ब्रेकअप प्रैंक करो, तो मैंने सोचा क्यों ना उसके ऊपर एक ब्रेकअप प्रैंक करूं। मेरा एक फोटो है, मतलब मेरा भाई आया था, उसके साथ में एक भाई और आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना उसके भी, मतलब उसने भी राखी बांधवाई, वो भी मुझे बहन मानता है, तो मैंने उसकी राखी बांध ली ना, तो मैंने उसका फोटो क्रॉप कर लिया है। और मैं वीर को बोलूंगी कि ये है ना मेरा बॉयफ्रेंड है, इससे मेरी ना सगाई हो चुकी है, तो देखते हो क्या ही करेगा। मतलब मैं ना उसको पूरा ब्रेकअप करने वाली हूँ, आपको ना इसको पूरा फोटो वो भी दिखा दूंगी, बट मेरे भाई की वजह से मुझे इमोजी लगाना पड़ेगा, बल्कि इशू हो जाएगा उसकी अगर फोटो मैंने दिखा दी तो आप लोगों को। तो गाइस मुझे लगता है वो आ चुका है, ब्राउन टी शर्ट पहन के आया है। याद नहीं है मुझे, पता सब याद है। तू बाबू कहता था और शायद कभी ना कैसे को वाला गाना गाता था, एक मोटी सी लड़की की। कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ, अभी तो बहुत ही बढ़िया हूँ। मतलब तुम्हारा पिंपल इतना रेड कैसे लग रहा है? ऐसी हा? अच्छा लग रहा है मुझे, इसलिए मैंने इस पे कलर कर लिया। तू इतनी मस्त कैसे लग रही है, खूबसूरत लग रही है आज, क्या बात है? हा? तैयारी यार कही बढ़िया। देखो लाइफ में ना जब कोई अच्छा इंसान आता है ना अपने, तो अपन चेंज हो जाते हैं। अच्छा इंसान? हाँ मेरी बात ले गए यार बाबू कहीं मेरा जैसे। मैं हर किसी की भी लाइफ में जाता हूँ ना, मैं बर्बाद कर देता हूँ उसकी लाइफ। बर्बाद नहीं, मैं उसकी लाइफ में कुछ अलग सा बन के जाता हूँ, मतलब सबको पसंद। मेरी लाइफ में क्या बन के आए थे तुम? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड? मुझे तो नहीं लगता यार। मेरी लाइफ में तुम्हारी लाइफ में पता है क्या सोच? जब बन के तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था ना, पता है जब तुम वहाँ पे थे फर्स्ट टाइम, जब तो आपको मैंने देखा था, तो मेरी नजर मेरे पे पड़ी, तुम पे पड़ी। मेरे पे नहीं थी, तुम्हारी नजर थी मेरे लिप्स पे। लिप्स पे थी याद है इतना, मतलब दिखी तो पूरी थी तुम। तुमने ब्लैक जींस पहने की थी आई थिंक शायद, और ऊपर पता नहीं क्या पहन रखा था, ये पता नहीं। टाइगर वाला टॉप पहन रखा था, इतना क्रॉप टॉप था, मेरा पेट दिख रहा था, और तू फिट लग रही, खतरनाक लग रही थी, फिट लग रही थी। मैंने सोचा यार काश ये मेरी गर्लफ्रेंड होती, तो उस टाइम ऐसा सोचा था। अब देखो ना, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई, मोटी हो गई, पतली होना चाहती हूँ, हो नहीं पा रही हूँ। खैर फिजूल की बातें छोड़ो, और कोई है तुम्हारी लाइफ में तो मुझे बता दो अभी। मेरी लाइफ में तो कोई नहीं है, तेरे अलावा कौन हो सकता है? लिया हो यार, देखो क्यों किसी एक ही लड़की पे निर्भर रहते हो? कोई देखो मेरा क्या भरोसा, मैं कल को तेरी लाइफ खराब कर दूं या तुझे ब्रेकअप दे दूं, किसी और के साथ मैं चली जाऊं, ऐसा होता ना यार। देख देखो पता ना, लड़की अच्छे की तलाश में रहती है तो अपने मतलब पहले वाले को छोड़ देती है। अपने प्यार पे तो इतना भरोसा है मेरी जान कि वो मुझे कभी चीट नहीं करेगी और मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी, ठीक है? ऐसा उधर मुंह कर गया, विश्वास क्यों है तुझे मेरे पे? क्या किया है मैंने? मैंने देखो चीट कर रखा है। चीट? आपने चीट किया ही नहीं मेरे को, कब किया तुमने चीट बताओ? चीट कर रखा है यही मान लो यार। देखो मैं इतने टाइम से मतलब तुम्हारे साथ रह रही थी, तो मैं मतलब किसी और को भी मना रही थी इस चीज को लेके कि भाई शादी कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। तो मतलब एक लड़का है मेरी जात का ही है, रावत समाज का ही है। नहीं नहीं मेरे समझ में नहीं है, क्या बोल रही थी वापस बोलना? मतलब मैं इतने टाइम से तुम्हारे साथ रह रही थी। हाँ? लेकिन मैं तुम्हारे साथ इसलिए रह रही थी ताकि घर वालों से दूर रह सकूं, खुद की लाइफ जी सकूं। अच्छा। हाँ तो मतलब एक लड़का है जिससे मैं प्यार करती हूँ, मतलब मेरी कास्ट का ही है, रावत ही है वो लड़का। अच्छा।
तो मैं क्या हूँ? तू रावत ही है। तो मेरी बात कर रही है तो थोड़ी चोटी इतनी घुमरा रही क्यों बातों को? अरे नहीं मतलब हाँ तू रावत है लेकिन वो लड़का कोई और है। साफ साफ बोल देना वीर सम्राट आई लव यू कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ ढेर सारा और विल यू मेरी मी क्या बोले वो ऐसे बोलते ना। मैं तुझे कुछ दिखाना चाहती हूँ। क्या दिखाएगी तू मुझे? ऐसा क्या दिखाएगी? ये लड़का कौन है? टीका क्यों लगा दी के? तू भी टीको लगा दी के? ये लड़का कौन है? यही है वो लड़का। अभी तू शायद मजाक में ले रहा है। तेरी माँ की सगन। हाँ मेरी कसम से हम शादी कर रहे हैं, हम लव मैरिज कर रहे हैं दोनों। सच बता मेरे को यकीन नहीं हो रहा कौन है ये लड़का। मेरा बॉयफ्रेंड है ये। इसको मैंने मतलब अभी तीन महीने हो गए मैंने इसको समझाया इस चीज़ को लेके कि मैंने कहा देख हम शादी तो कर नहीं सकते, ना वीर मेरी से शादी करेगा ना मेरी वीर से शादी हो सकती है, मैं अपनी लाइफ ऐसे नहीं रह सकती। फिर उसको मैंने घर वालों से मिलवाया, उसको मैं मतलब पहले भी जानती थी तो उसने मतलब मैंने उसको तुम्हारी वजह से ब्रेकअप दिया था। मैं नहीं चाहती थी कि यार देखो मैं उसको मतलब मेरे साथ बुरा हो रहा था ताकि मैंने उस लड़के के साथ में बुरा करा था इसलिए मेरे साथ बुरा हो रहा था। मैंने उस लड़के को तुम्हारे लिए चीट करा था बल्कि तुम मुझे मिले थे तो फिर मैंने उस लड़के को ब्रेकअप दे दिया ये सोच के कि वो तुमसे अच्छा नहीं है और उसके पास में कुछ भी नहीं था तो फिर मैंने उसको ब्रेकअप दे दिया। लेकिन अभी तीन महीने हो गए मैंने घर पे मिलाया उसको, पापा ने भी कहा कि देख ले तेको जैसा ठीक लगे। लेकिन वापस दिखाना मेरे को वो फोटो एक बार और, वीर को छोड़ना पड़ेगा तुझे। फिर शादी कब है तारी? वो तो अभी पैसे इकट्ठे कर रहे हैं हम लोग, लव मैरिज करेंगे घर वालों से पैसे लेंगे, हो सकता है या तो कोर्ट मैरिज कर ले हम लोग, बल्कि किसी को दिखाऊंगी नहीं कि मैंने शादी कर ली है। अच्छा मैंने इसलिए तुम्हें बोला कि देखो मैं तुम्हारे साथ मैं मेरे साथ रह रही है मतलब तू मेरे साथ रह रही थी वो क्या था? वो बस इसको पाने का तरीका था। मैं पाने का तरीका मतलब मैं इसको पाना चाहती थी यार, हमारा ब्रेकअप हो गया था तेरी वजह से तो मैंने उसको बोला मैंने कहा मैं इसको छोड़ दूंगी लड़के को, बस तुम्हें लाइफ में वापस आ जा, मैंने उसकी वजह से तुझे छोड़ा। नहीं नहीं तू जो मैं तुम मुझसे प्यार करती है ये अभी इंस्टाग्राम पे कुछ भी नहीं था, वो सब एक इंस्टाग्राम पे जो रील वगैरह डालती है वो फेक था, वो सब फेक था। मैं उसको बस जला रही थी कि मैं खुश हूँ तेरे साथ में लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है मैं प्यार करती हूँ उससे बहुत ज्यादा। और फिर मेरा क्या हुआ? मैं नहीं बता सकती तुम्हारे बारे में कि तुम्हारा क्या होगा। मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा मैं? हाँ तुम्हारा गुस्सा जाए से लेकिन यार मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा बता? हाथ मत उठाओ उसको पसंद नहीं है। तूने तो तेरा प्यार कर लिया सही आज पता लग गया सच में। लड़की है ना क्या बताऊं तुमको सच में ना बहुत धोखेबाज होती है क्या? और अपन को साली जिस पे भरोसा करते हैं ना जिस पे पता नहीं चलता कि पीठ पीछे क्या कर रही है वो क्या? मैंने सोचा था मैं तुम्हें इस बारे में बताऊं लेकिन फिर वो भी हम लोग अभी राखी के दूसरे दिन मिले थे घर पे आया था वो मेरे। किसके घर पे? मेरे घर पे आया था वो। अच्छा तेरे पापा को सब पता है? पापा हा? को बताया मैंने कि ये लड़का है। क्या करूँ इसका मैं? तुम्हारी रिंग मेरे को ना यहाँ पे लोगों को मत दिखवा का, मैं थप्पड़ मारा हूँ ना तो मेरे को गुस्सा मत दिला ठीक है ना, यहाँ से चली जा वरना मैं जा रहा हूँ, दे दे मेरी अंगूठिया ठीक है ना। अरे तेरे को शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए, किसी बंदे को भरोसे में रख रही थी तू, मुझे भरोसे में रख रही थी। क्या भरोसे में रख रही थी तुझे यार? तूने मेरे को क्या बोला कि मैं शादी करूंगी? तो तू कर रहा है क्या शादी? बोल मत। तू कर रहा है क्या शादी? बोल मत। तेरे को शादी की बोला तू कर रहा है क्या? एक साल रुक जा दो साल रुक जा, नहीं रुक सकती मैं तेरे साथ कमारी लेके नहीं मानना चाहती। तू अभी क्या बोल रही थी थोड़ी देर पहले कि तू उससे प्यार करती है? हाँ, और अब मैं उससे शादी कर रही हूं, बात खत्म। मैं से क्या करती है तो? नहीं करती मैं तुझसे प्यार। क्या मैं क्या हूं? बस एक जरिया था उस तक जाने का मेरा और कुछ भी नहीं है। कैसे जाने का तरीका? कंधे पे बैठ के? हाँ मैं उसको जेलिस फील कराती थी, वो जब भी आता था मैं उसको जेलिस फील कराती थी। और तू शायद जितना इसको देख रहा था तुझे लगता भी होगा कि देखा सा लग रहा है। शर्म आनी चाहिए तेरे को शर्म ठीक है ना? नहीं है शर्म। मन तो करो तेरा मुंह नोच दूं क्या एक सेकंड में, लेकिन बाकी लड़कों में मेरे में क्या फर्क रहेगा? क्या क्या फर्क किया तुझ मेरे बाकियों में? तू तुम्हारी जिंदगी में तू है हमारी जिंदगी में, क्या फर्क है तेरे में बाकी लड़कियों? क्या पता क्या पता आगे जाके उस लड़की क्या पता तू खुद छोड़ना चाहती हो तो क्या पता आगे तेरे को मिला होगा अभी बात करने लगी होगी तू
क्या पता आगे जाके मेरे को भी ऐसा उस बंदे को भी धोखा देगी जिसके साथ तू जा रही है, उसको भी बोलेगी कि हाँ मैं मेरे को किसी और तक पहुंचने के लिए तेरे को जरिया बनाया मैंने ऐसे वैसे। क्या देख उसको तेरा सब पता है कि मैं तेरे से कोई प्यार नहीं करती। जाना फालतू बकवास करी है, अपने लिमिट में रह, समझ गया ना, हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, समझ गया, तू आ रही है, हाथ में रहो अपनी। तूने तू जब मेरे साथ खाटू जाम चलती थी वह क्या मांगती थी, क्या यही कि मुझे मेरा प्यार मिल जाए? तू उसी को मांगने चलती थी कि मेरे साथ, मेरे को लग रहा है। तभी बाबा मेरे को संकेत कर रहे चार पांच बार, क्या मेरा मन भटक जाता है कि कभी कभी लगता है कि सोनिया मेरे को धोखा दे रही है और वही सीन हो रहा है। अच्छा है ना, तो भगवान भी तुझे बता रहे हैं क्या? अब प्यार करती किस बात की मेहंदी लगाई है पिता? उसके लिए लगाई थी मेहंदी, तो मेरा नाम क्यों लिखा? मिटा दिखाने के लिए, मेरा नाम को मिटा, हाँ, मिट जाएगा, मिटा, अभी मिटाऊंगा, मैं मिटाऊंगा इसको, मिटा, मिट जाएगा, ज्यादा यहां पे दिखावा मत कर, बहस मत कर, समझ गया ना? बहस तो तू कर रही है पब्लिक प्लेस में आकर, मैं तुझसे सिर्फ बात कर रही हूँ, तेरा ये मैनो ड्रामा नहीं कर रही, यहाँ पे लोगों को सुना नहीं रही हूँ, समझ गया? धोखेबाज लड़की साली, हाँ हूँ धोखेबाज, जाओ तुमसे तो अच्छी हूँ, धोखा दे रही है तो नहीं हूँ, यहाँ लोगों को सुनाने के लिए यहाँ पे मेरे को बुलाया चौपाटी पे ताकि मैं तेरे को कुछ बोल नहीं सकूँ, क्या? तो यही तो एक जरिया है ताकि तू मुझे कुछ बोल नहीं सके, जलील कर रही है तू मेरे को, क्या? तू क्या है, जलील कर दिया तो तुझे क्या कर दे? मेरे को वो फोटो भेज अभी, क्या फोटो भेज तुझे, कौन है तू, ताकि मैं ऑडियंस को बता सकूँ, कल ना तू मेरे को छोड़ के जा रही है तो मेरे को बोलेगी ऑडियंस, मैं ना तुझे एक वीडियो बना के दे दूंगी। क्या वीडियो बना के दे देगी तू? क्या मैं तुझे क्यों छोड़ रही हूँ, मेरा किसी से अफेयर है, मैं उससे शादी करने वाली हूँ। सुनिए तू इतना मतलब इतना कुछ आगे बढ़ने के लिए तू अब बोल रही है मेरे को, तो बढ़िया ना, तू तेरी लाइफ में आगे रोड पे तो नहीं है, तेरे पास पैसे हैं, गाड़ी है, सब कुछ है। अरे यार पैसे को चाहे चाटो का पैसा तो कमा ना, क्या पैर शूट कर किसी के साथ में भी जाना, केयर करने जरूरत नहीं है, ठीक है ना, फालतू दिखा मत अपना कि मैं तेरे से अभी भी केयर करती वो करी, लपड़ मैं रहूंगा अभी सबके सामने अपने, ठीक है ना, देख लिया मैंने तेरा प्यार, अच्छी बात है देख लिया तो, और कुछ तेरी जैसी लड़की नहीं देखी मैंने आज तक, कमी क्या है तेरी लाइफ में, 3 साल से मेरे साथ धोखा कर रही है, 4 साल हो गई आज, शर्म आनी चाहिए तेरे को, साड़ी को चिल्ला मत, बहुत ऊंची आवाज में बात कर रहा, नहीं ऊंची नहीं, तेरे को शर्म आनी चाहिए, क्या नहीं आ रही शर्म, क्या करूं साली दोगलापंती, क्या करूं, उधर भी चला रही इधर भी चला रही है, तो अब क्या करूं, थूक चाटता है मेरा और क्या साली, दिमाग खराब करी है, थूके चाटने वाली आदत नहीं है, जा रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है ना, और आज के बाद फोन मत करियो मेरे को, ठीक है ना, फोन तो करूंगी शादी में जो आएगा तू मेरी, मैं तेरी शादी में गवाह बन, अरे मैं आ गया ना वहाँ पे तो तेरी बिना शादी हुई उठ जाएगी तू वहाँ से, क्या तू मुझे किडनैप कर लोगे क्या, क्या? समझ गई ना, क्या करेगा तू, किडनैप करने की बात नहीं है, ठीक है ना, क्या करेगा वहाँ के तमाशा करेगा, तूने जो मेरे साथ धोखा करा ना, जो मेरे को 3 साल में धोखे में रखा, ठीक है ना, मैं मेरे को किसी चीज का पछतावा नहीं है, मैं तेरे साथ ना लॉयल बन के रहा, ठीक है ना, 4 साल तक मेरे को पता ना मैं कैसे रहा, ठीक है ना, मजबूरी में थी क्या मैं तेरा यूट्यूब पे वायरल होने का, मजबूरी थी क्या तेरी मेरे साथ में रहना, क्या था तेरा, देख लिया मैं तो तेरा जिसको अच्छे से देख लिया, क्या देख लिया तेरे को अच्छे से देख लिया, और मैं तो खुद ही तेरे से परेशान हो गई हूँ, तेरे को दिल्ली जाना होता है, कभी तेरे को मुंबई जाना पड़ता है, वो भी अकेले, तू बात वहीं खत्म होगी, तू उस लड़के के साथ तू जाके सगाई कर ली और तेरी शादी फिक्स हो गई बस, क्या तुझे बताती, तू मेरे को एक बार पूछती, तू मुझे एक बार बोलती, क्या पूछती तुझसे, मैं अपने लाइफ के डिसीजन लूं तेरे से, अरे मैं ना तेरे पीछे, सुन पता है तूने इतना भयंकर वाला मेरा विश्वास तोड़ा है, मैं तेरे पे बहुत विश्वास करता था सोनिया, तूने मेरा विश्वास तोड़ा है, अच्छा है ना, ठीक है ना, सुन मेरी बात सुन, अब मेरी जिंदगी में भले ही कोई लड़की आए या ना नहीं आए, क्या, लेकिन मैं अभी किसी पे विश्वास नहीं कर पाऊंगा, क्या मतलब, लड़की मेरा, लाइफ में लेके आऊं, तू मेरी विश्वास तोड़ा है, तूने मेरा विश्वास तो तोड़ा, विश्वास को साइड में रख, विश्वास नहीं करूंगा लेकिन लड़की लाइफ में जरूर लाऊंगा, तूने मेरा विश्वास तोड़ दिया, मैं तेरे पे आंख बंद करके विश्वास करता, रहने दे, क्या क्या नहीं किया मैंने, ज्ञान मत दे तेरे लिए, हर कुछ तेरे लिए सब कुछ करा मैंने, ज्ञान मत दे, विश्वास नहीं कर सकता लेकिन लड़की लाइफ में ले आऊंगा लेकिन उस पर विश्वास नहीं करूंगा, धोखेबाज, क्या धोखेबाज, तू एक बार सोचती मेरे लिए, इधर आ, नहीं तू एक बार सोचती मेरे लिए, क्या कि वीर मेरे लिए क्या क्या कर रहा है, क्या क्या देखता है सपने, तू क्या, तू मेरा दिमाग खराब करके रख दिया सोनिया, क्या बहुत गुस्सा आ रहा, मन तो कर रहा मैं तेरे और छोरे का रेपट मारू, क्या अच्छा, लेकिन तेरी जिंदगी है वो, क्या तेरी लाइफ के फैसले हैं, मैं कौन होता हूँ कहने वाला, मैं ना तेरे पीछे ना खुद का करियर भूल गई कि मेरा भी एक करियर है, समझ गया, समझ गई ना, हाँ, हाँ, उसको भूल गई होगी, उसको भूल, तभी तो अब आ गया, हाँ, तेरे तो बस आ गया वो मेरी लाइफ में और मैं खुश हूँ उसके साथ में, तेरा क्या है, तू आज रोड पे नहीं है, तेरे पास सब कुछ है, तेरे पास तेरी फैमिली है, पैसा है, गाड़ी है, तेरा खुद का है, मैं कुछ नहीं लेना चाहती तेरे से, अगर तेरे पास नहीं है तेरी फैमिली, कहाँ है फैमिली, अब वो फैमिली है मेरी, समझ गया,
करवा रहे हैं तेरे घर वाले भी आते हैं किसी और से साथ ना जब आज के बाद ना मेरे को फोन मत करना देखने में कुछ जा हां जा ब्रेकअप है क्या ब्रेकअप तो नॉर्मल चीज है मूव ऑन कर खत्म कर ये कचरा फालतू का सब खोल दे मेरे ये दियो आ मेरा ये भी गले में मैंने बांधा ना मैं ही खोलूंगा इसको ठीक है ना छोड़ इसको कम से कम जब जब देखूंगा आईफोन भी ले जा तेरा तू ही रख तेरा फोन ले जा तेरा आईफोन क्या फोन ले जा तेरा आईफोन जाने रे पट मारूंगा भी साले के ले जा ले 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 तेरा आईफोन ले जा तेरा आईफोन ले जा गाइस कुछ ज्यादा ही हो गया लाल अब क्या करूँ अब कैसे मनाऊँ गाइस मैं उसको मनाती जाके समझाती हूँ वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना बाय बाय।